प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम दीदी। आप क्यों घर गए थे मिलने के लिए? तो आपको भाई साहब बोले कि खेत में है, तो आओ। सर समाचार ठीक है ना दीदी? ठीक है दीदी। तो पत्ते क्यों देख रहे हैं दीदी इतना गहराई से? देखिए दीदी, इस बार आलू के खेत में लगता है कुछ ज्यादा ही कीड़ा लग गया है दीदी। सोच रहे हैं कि इस बार ब्रह्मास्त्र का छिड़काव करें दीदी। आपका क्या ख्याल है दीदी? देखिए दीदी, दीदी इसमें तो बहुत ज्यादा कीड़ा लग गया है। इसमें ब्रह्मास्त्र नहीं काम करेगा दीदी, इसमें अग्निअस्त्र काम करेगा। तो अग्निअस्त्र तो हमको बनाने के लिए आईवे नहीं करता है दीदी। दीदी हमको घर चलिए, हम अग्निअस्त्र बनाने के लिए बता देंगे आपको अच्छा तरह से। ठीक है दीदी, तो चलिए। ठीक है दीदी, चलिए। दीदी आप आइए, यहाँ बैठिए, हम सारी सामग्री लेके आते हैं। देखिए दीदी, सारी सामग्री है। दीदी एक कट्ठा के लिए अग्नि स्तर के कितना कितना सामग्री लगेगा, जब हम आपको बता देते हैं। देखिए दीदी, एक कट्ठा जमीन के लिए अग्नि स्तर बनाने के लिए सबसे पहले नीम के पत्ता 700 ग्राम, 1.5 ग्राम अब हमको हरा मिर्ची के चटनी बनाना है, 1 ग्राम लहसुन के चटनी बनाने के लिए लहसुन, और दीदी अब 1 ग्राम खाने वाला तमाकुल देना है, 350 ml गौमूत्र। इस वन सामग्री के लिए पीसने के लिए फिर खल के जरूरत है। देखिए दीदी, अब हम सबसे पहले 700 ग्राम है नीम के पत्ता, इसको चूर चूर के चटनी बनावेंगे अब। ठीक है दीदी। देखिए दीदी, अब इसको कूट कूट के चटनी बनाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी। लाइए दीदी, थोड़ा मदद कर देते हैं। लीजिए दीदी, मदद कर दीजिए। देखिए दीदी, अभी हो गया। ये हो गया, ऐसा ही होता है चटनी दी। हाँ, ये तो अब चटनी हो गया, ये अब हो गया दीदी। ठीक है दीदी। देखिए दीदी, अभी कच्चा हरा मिर्ची इसको डाल देंगे, इसी में सब मिला के चटनी बनाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर देखिए दीदी, ये लहसुन के भी इसमें डाल देते हैं, सब मिला के चटनी बनाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी। सभी सभी को इसी में मिला के मैंने एक ही साथ चूर देते हैं ना? हाँ दीदी, सभी सामग्री के मिला के इसको चटनी बना देते हैं चूर चूर के। दीदी अब जो हम चटनी बनाए हैं, अब इसको चूल्हा पर चढ़ाना है, इसको 4 बार अब खदकाना। चलिए अब चूल्हा के पास चलते हैं। दीदी अब पहले हम चूल्हा धराते हैं, तब फिर कढ़ाई बैठाएंगे उस पर, कढ़ाई में। देखिए दीदी, अब कढ़ाई तो गर्म हो गया। ठीक है। अब 300 ml गौमूत्र डालेंगे। देखिए दीदी, अब हम इसमें 1 ग्राम खाने वाला तमाकुल डालेंगे। वो तमाकुल भी डालिएगा दीदी? हाँ दीदी। अच्छा ठीक है दीदी। और जो चटनी बनाए हैं सारा सामग्री के दीदी, अच्छा वो भी डालेंगे अभी इसको। अच्छा, 4 बार खदकावेंगे। अच्छा। और 4 बार उतारना, उस वो आग पर नहीं धैले रहना है। अच्छा दीदी। ये दीदी इसमें डाल देते हैं हम भी।
पूछ रहा है। घर के देखिए दीदी अभी पूरा खौल गया। अच्छा, इसको मतलब चार बार उतारना है, चार बार चढ़ाना है। अच्छा दीदी, तो चार बार उतारना, चार बार चढ़ाना। हाँ, ऐसे चढ़ ले रहेगा ना दीदी। हाँ। तो ये अथी जल जाएगा। अच्छा। कीटाणु की धीमे आंच में इसको करना है। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, अब चढ़ाते हैं इसको। देखिए दीदी अब उतारते ही हो गया। अच्छा दीदी, ऐसे थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा ना। अच्छा, तब फिर उसको पर चढ़ाना है, ज्यादा आंच में नहीं चढ़ा, मैंने धीमी आंच में, आंच में इसको करना है जी। अच्छा दीदी, देखिए दीदी इसको अब उतारना तीन बार हो गया। अच्छा दीदी, अब रियाज चढ़ावेंगे। अच्छा। चार बार में ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी, अब हमको ये अग्नि अस्त्र हो गया तैयार। अग्निअस्त्र हो गया तैयार दीदी? हाँ दीदी। कैसे समझेगा दीदी कि अग्निअस्त्र तैयार हो गया दीदी? कहे मतलब चार बार हुआ ना दीदी। हाँ। आज जब खटके लगा। अच्छा। तो उतार दिए। अच्छा। फिर वो एकदम हरा कचूर था रंग। अच्छा। अब रंग में थोड़ा सा लग रहा है ना फर्क। हाँ, फर्क मेल हो गया। अच्छा दीदी, समझिए कि मेरा अब तैयार हो गया। इसको अभी दीजिए, मतलब इधर दीजिए, चाहे ये बचल रहेगा तो छह महीना तक इस्तेमाल कर सकते। छह महीने तक इस्तेमाल। हाँ, इसको छान के बढ़िया से अथी में स्प्रे करने जो कपड़ा से छान कर। अच्छा। इसको रख देंगे अभी सेराएगा तो से कपड़ा से छान लेंगे तो स्प्रे मशीन में डाल करके स्प्रे कर देंगे, कर सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है दीदी। देखिए दीदी रंग तो कुछ डिफाइट हो रहा है। हाँ दी, पहले हरा पूरा एकदम खाली हरा लग रहा था। हाँ देखिए दीदी, इसको अब हम अंदर ले जाते हैं, चलिए बैठ के बात करेंगे। ठीक है दीदी, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं दीदी? नहीं दीदी, ये अभी तत्काल है। इसको अब हम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे अस्थाई जगह पर, फिर 48 घंटा के बाद इसको छान के आ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दीदी, दीदी इसको हम किस किस फसल में हम छिड़काव कर सकते हैं दीदी? दीदी हर फसल में, हर सब्जी है, खड़ा फसल है, हर चीज में इसको इस्तेमाल करना है। मगर जिसमें अधिक कीड़ा लगा हुआ है उसमें ये अग्नि अस्त्र दीजिएगा ना, तो उसको खत्म कर देगा। अग्नि अस्त्र को छिड़काव हम कैसे करेंगे दीदी? इसको अब 100 ml के 1 liter पानी में डाल के खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml अग्नि अस्त्र को 1 liter पानी में हम स्प्रे मशीन से हम छिड़काव कर सकते हैं। हाँ दीदी, सही आप समझ गए दीदी। अच्छा दीदी,